अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का सैंडविच। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन, इसको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे चिकन टिक्का मसाला, 1/2 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गर्म मसाला और चुटकी भर हम इसमें डाल देंगे जर्दा कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच दही और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद सिरका। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम चिकन को 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और एक दफ़ा इसमें अच्छे से चम्मच चला देंगे। अब हम चिकन को 8 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। अब हम इसे चेक करेंगे, ये देखें दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा गल चुका है। ये चिकन हमारा तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको उतार के रख लेंगे। तो अब हम सैंडविच के लिए एक सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है 1/2 कप मायोनीज। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप, 1/2 चाय के चम्मच हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई सुर्ख मिर्च और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद सिरका और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारा बेहतरीन सा सॉस तैयार है। आप इसे किसी तरह के भी सैंडविच या बर्गर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं, इनके ऊपर हमने ये जो सॉस तैयार करके रखा था वो लगा देंगे और इसे नाइफ की मदद से अच्छे से ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये तैयार किया हुआ चिकन और इसको ऊपर से स्लाइस के साथ कवर कर देंगे और इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी हम ये सॉस लगा देंगे। हमने सॉस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाना है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे खीरे के ये कटे हुए स्लाइस। तो यहाँ पे मैंने एक और स्लाइस लिया है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा सॉस लगा देंगे और इसको नाइफ की मदद से स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर और ऊपर से सैंडविच को कवर कर देंगे इसके साथ। यहाँ पे तवे के ऊपर हमने हल्का सा ऑयल डालकर उसको ब्रश की मदद से फैला दिया है। इसके ऊपर हम ये तैयार किया हुआ सैंडविच रख देंगे और इसको एक साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसको उतार लेंगे। तो ये हमारे ज़बरदस्त से चिकन टिक्का सैंडविच तैयार हैं। ये देखें, ये देखने में भी बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।